कितना स्टीप है एक बार देखो, और पूरा ऑफ रोड खत्म, मतलब रोड तो है ही नहीं। काफ़ी लोग ना कमेंट करते कि आपने जो बाइक के अंदर मॉडिफिकेशन करा रखी है वो बिल्कुल यूजलेस है, उनका कोई मतलब नहीं है। रोड वो वाली रोड है रैपिड ट्रेल की, वहाँ से ऑफ रोड करते 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 यहाँ पे गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो रहा है सुबह के 5:07 और अपनी बॉस जो है मैंने कोल्ड स्टार्ट पे लगा दी है, और यहाँ पे अपने भाई बंधु आ चुके हैं, तो हेलो कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो सबको। अरे डर रहा है भाई। एंड आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आज संडे नहीं है, आज थर्सडे है, तो आज हो रही है हमारी थर्सडे राइड्स। आजकल हमारी राइड्स कुछ ऐसी हो रही है कि कभी मंडे हो रही है, कभी ट्यूसडे हो रही है, कभी थर्सडे हो रही है, संडे राइड करने का मौका नहीं मिल पा रहा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार कोल्ड स्टार्ट करना क्यों होता है, तो कोल्ड स्टार्ट में आप लोग को बता दूँ, इंजन जो है गर्म हो जाए ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से हर जगह इंजन में सर्कुलेट हो जाए, इसके लिए जो है हमें कोल्ड स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं हर बारी अपनी बाइक जब भी निकालता हूँ ट्राई करता हूँ कोल्ड स्टार्ट कर लूँ। कोल्ड स्टार्ट करना कुछ भी नहीं, अगर आपकी BS4 बाइक है तो किक से स्टार्ट करो और उसको जो है आप स्टार्ट रहने दो फॉर अबाउट 3-4 minutes। और इन केस आपकी बाइक में किक नहीं है VS6 वाले लोग कहेंगे, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई नॉर्मल बाइक स्टार्ट करो, आइडल पे छोड़ दो अराउंड 3-4 minutes के लिए, तो आपकी बाइक जो है मस्त पक्के तैयार हो जाएगी और चलने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी चलते हैं दोस्तों के पास, ऑलमोस्ट सारे आ चुके हैं। चलो बढ़िया भाई, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाई। चले भाई, नहीं मेरे को नहीं खाना भाई, पेट्रोल भरवाया हुआ है। अच्छा एक चीज़ और आप लोगों को बताया नहीं, भाई को कंग्रेचुलेट कर देते हैं हम व्लॉग के अंदर में। भाई साहब ने हमारे जो है बाइक ले ली है, थोड़े डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। चले भाई, अकेला पार्टी हो रही है, अपनी बच्चा पार्टी निकल चुकी है, बच्चे दो स्कूटी पे हैं और एक बाइक है, जस्ट जोकिंग, एक नोनी की बाइक है जो कि उसने न्यू ली है। अभी थोड़ा अंधेरा है ना, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा से पता नहीं लगेगा, तो आज की जो हाईलाइट है हम कह सकते हैं कि नोनी की बाइक है हमारे व्लॉग की, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे भाई का 2 साल से लेने का बाइक मन था, जब से मैंने ली थी तब से उसका मन था, एंड उसने ले ली बाइक, तो मैं काफ़ी खुश हूँ उसके लिए। मॉर्निंग वाइब्स कुछ ऐसी है कि इतने टाइम बाद जो है व्लॉग करने में मज़ा आ रहा है। सुबह पेट्रोल डलवा देता हूँ, फिर आप लोगों से दोबारा बात करता हूँ। तो वैसे आज का लाइनअप आप लोगों को बता देता हूँ, आगे है एंटॉक, आगे है नोनी की एनफील्ड, और आगे है एक एक्टिवा बॉबी की। आई लव राइडिंग सोलो, एंड सोलो राइड करने का जो मज़ा है वो अपने आप में ही बहुत सही है, बहुत तगड़ा, बहुत मज़ेदार है। और अभी सुबह के 5:30 हो चुके हैं, क्योंकि हम रीफ्यूलिंग वगैरह करा रहे थे और मीटअप वीटअप में हो रहा था, बाकी केला पार्टी वगैरह भी हो रही थी। जो एक्सेसरी मैंने लगाई है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और सारी की सारी अवेलेबल है एट दी मोटो नेशन। इंस्टाग्राम के ऊपर जाओ, हमें DM करो, चीपेस्ट प्राइसेस गारंटीड, बिल्कुल होलसेल प्राइसेस है, वो सारे आपको हमारे पेज पे मिलेंगे, वेदर इट बी लाइट्स, वेदर इट बी सीड्स, वेदर इट बी एनी अदर थिंग। सो या उन्हें आज फोटोज़ खींचेंगे अंधी, तो यहाँ पर जो हम थोड़ी सी जो है साइडलिंग वाइडलिंग कर लेते हैं और अपनी बुलेट के ऑफ रोडिंग टायर्स का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। ओ हो 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 हो, तो ये रही नोनी की बाइक, और इसकी आज पहली लॉन्ग राइड कह सकते हो ऑफिशियली। काफ़ी खुश है हमारा लड़का, हम पूछेंगे उससे रोक के भाई कैसा लग रहा है उसको। अराउंड 7 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं कि हम इधर उधर भटकते वेट करते हैं, मतलब भटका तो नहीं कहीं पे, बट हाँ सबका वेट करते लेट हो गए, बट यहाँ पर आकर के बहुत पीस है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति है, धूल मिट्टी नहीं है। ये स्पीकर में गाने चल रहे हैं मस्त। आज मैंने ये वाले ग्लव्स पहने हैं, ये थोड़े मतलब इनका वेलक्रो टाइप जो है ना वो थोड़ा ख़राब सा हो गया, क्योंकि जब भी मैं राइड से आता था कोरोना टाइम जब स्टार्ट हुआ था, तब मैं इनको धोने के लिए पानी में डाल देता था बेवकूफ़ की तरह, और इसका वेलक्रो जो है सारा ख़राब हो गया, एंड देन मुझे रिलाइज हुआ कि भाई ये नहीं करना चाहिए था। बस पूरा जंगल टाइप्स एरिया, एंड आई एम श्योर यहाँ पे कोई ना कोई सांप वगैरह भी पक्का रहता होगा। काफ़ी लोग ना कमेंट करते कि आपने जो बाइक के अंदर मॉडिफिकेशन करा रखी है वो बिल्कुल यूज़लेस है, उनका कोई मतलब नहीं है। मैं डिस्कस करना चाहूँगा कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहली मॉडिफिकेशन जो मेरी टायर चेंज की है, टायर जब से मैंने अपना चेंज करा, पीछेगा जिन लोगों को नहीं पता, रालको स्पीड ब्लास्टर 110 19 इंचेस का टायर है, और ट्यूबलेस टायर है, इसके अंदर मैंने ट्यूब डाली हुई है क्योंकि स्पोक्स हैं, और परफॉर्मेंस A1
हल्का सा टच होता है जब कोई हैवी पिलियन बैठता है, बाकी ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत सही है। जो नोनी की बाइक है उसने जो अभी प्री ओन्ड बाइक ली है उसके अंदर भी अलॉय व्हील्स जले हुए हैं एंड जो उसका रेयर टायर है वो भी राल्को ही है। तो मोस्टली लोग जो है वो राल्को ही प्रेफर करते हैं, दैट्स व्हाई राल्को इज राल्को, आई लव राल्को। सेकेंडली मोबाइल होल्डर लगता होगा थोड़ा ऑड बट इट्स द मोस्ट यूजफुल थिंग व्हेन यू आर ऑन अ लॉन्ग राइड, सो मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की नीड नहीं आई गेस। थर्डली मैं बता देता हूँ सीट्स, जो कि काफ़ी लोगों को अच्छी भी लगती है, काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं भी लगती है, पर्सनली मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। और जो कंफर्ट है दैट इज़ एवन, मतलब अभी मेरे दोस्त यहाँ बैठा था बाइक पे, कहता भाई इतनी कंफर्टेबल, आप लोगों को लग रहा है अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं किसी एक दोस्त को बिठाऊँगा और उससे रिव्यू ले लूँगा एक, ठीक है। फोर्थली जो हेडलाइट है नाइट के टाइम पे बहुत अच्छी है एंड जब आप डिपर मारते हो तो यू फील के यू आर राइडिंग समथिंग, वरना स्टॉक हेडलाइट तो मतलब बहुत बोरिंग सी लगती है। और हेडलाइट के नाम से मुझे ध्यान आया कि हमारी मोटर नेशन पे एक अच्छा खासा डिस्काउंट हेडलाइट्स के ऊपर चल रहा है, मतलब चीपेस्ट इन द मार्केट। फोर्थली जो फ्लैशर है, फ्लैशर इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है बट यस जब भी आप एक पार्किंग लाइट्स ऑन करके चलते हो तो मतलब एक काफ़ी बहुत सही सा लगता है कि यार मतलब मज़ा सा आ जाता है कि बाइक की लुक जो ओवरऑल काफ़ी अच्छी हो जाती है, और किसी को गाइडेंस चाहिए हो तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। एंड फिफ्थ जो लेग गार्ड है, लेग गार्ड भी अच्छा है, टूट जाता है बट इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में लाऊंगा, और कुछ एक दो मॉडिफिकेशंस को मैं थोड़ा सा एडिट टाइप जो फिर कह सकते हो कि आप थोड़ा ठीक करूंगा, तो वो भी उसका भी व्लॉग भी जल्दी आएगा चैनल के ऊपर। वो पीछे बैकरेस्ट है, बैकरेस्ट जो है इन सीट्स के साथ में कुशन वाला थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैंने लगाया है। कभी फ्यूचर में लॉन्ग राइड करूंगा पिलियन के साथ तो डेफिनेटली एक कुशन वाला बैकरेस्ट आता है, वो भी मोटो नेशन पे अवेलेबल है अराउंड 20-25% ऑफ पे, मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट है उस पर, तो वो भी मैं लगाऊंगा बट मुझे नीड नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा रहा। बट हाँ जो जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को लगा के दिखा सकूंगा फ्यूचर में वो डेफिनेटली व्लॉग्स आने वाले हैं, दिखाऊंगा ज़रूर। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे लेबर ट्रेल पे, और यहाँ पे जो है मेन है राठी कैफे अगर आप देखो तो, बाकी हमारा कुछ खाने पीने का सच मन नहीं है, अगर मना तो खा पी भी लेंगे। तो भाई इतनी डेडली ऑफ रोडिंग करी है ना आज, मजा आ गया ना। एट द लोकेशन, और हम वहाँ से रोड, वो वाली रोड है रेबर ट्रेल की, वहाँ से ऑफ रोड करते 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 यहाँ पे आ गए, और अभी मैं आप लोगों को एक्चुअल फुटेज दिखाऊंगा जो कि गोप्रो में रिकॉर्ड करूंगा। नोनी का पीछे राल्को का टायर, मेरा भी राल्को का टायर, और यहाँ पर हमारा राल्को का टायर कमाल दिखाते हुए एंड ऑफ कोर्स कुछ स्किल्स, क्योंकि ये करना आसान नहीं है। अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप एंजॉय करना खाली। कभी भी ऐसी सिचुएशंस में हाफ क्लच यूज़ मत करना वरना क्लच प्लेट जो है वो चली जाएगी। कितना स्टीप है एक बार देखो, और पूरा ऑफ रोड ख़त्म, मतलब रोड तो है ही नहीं, पत्थर ही पत्थर है। सो गाइस आई नो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो वीडियो को छोटा सा ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये वाला रास्ता पहले दिखाया हुआ है, मतलब है तो बहुत ही अच्छा, तो बट आगे आकर के वही फिर सिटी विटी स्टार्ट हो जाती है, और आपके भाई को आप जानते हो कि सिटी में व्लॉग करना, मोटो व्लॉग करना व्हेन कमिंग फ्रॉम अ राइड पसंद नहीं है, तो मैं इन ठंडे ठंडे वेदर के अंदर ही, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं बट जितना भी ठंडा वेदर है उसके अंदर व्लॉग को ख़त्म करना चाहूँगा।
तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोग अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी, एंटरटेनिंग लगी होगी और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपका दिल करे तो। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, मास्क पहनो और सेफ रहो, है ना।